यूपी चलते हैं। मध्य प्रदेश के बीना में जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ कर रहे हैं सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की, कटरा माता की, कटरा माता की। जन आशीर्वाद यात्रा पे आज बिना पहुंचने पर इस पूरी यात्रा के प्रभारी पूरे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, यहां के बीना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज और बहुत सरल, मैं आज प्रातःकाल से उनसे मिल रहा हूं। आदरणीय महेश राय जी, यात्रा प्रभारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गौरव जी, पूर्व विधायक धर्मू राय जी, पूर्व विधायक श्रीमती डॉक्टर विनोद पंथी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमान शशि पथुरिया जी, श्रीमती नीतू राय जी नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष, श्री कमलेश राय जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी, मनोज शर्मा जी विधानसभा के संयोजक एवं मंचासी सभी हमारे नेतागण इस सभा में, जैसा कि अभी हमारे विधायक जी महेश जी बता रहे थे कि आप सब लोग कई घंटों से आज यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे और इतना अधिक विलंब होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं जगह जगह पर, जिस प्रकार से आप सबके द्वारा यात्रा का स्वागत किया है, हम सब यात्रा में चलने वाले लोगों का स्वागत किया है इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबको बाबा बद्री विशाल की धरती से, भगवान केदारनाथ जी की धरती से और चार धामों की धरती से आकर देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते आप सब लोगों ने जो मेरा भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल से मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हूं। प्रातः काल से मैं सागर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मैंने देखा सागर के लोगों में, खुराई विधानसभा में और अब बीना विधानसभा में, जगह जगह जिस प्रकार से सड़कों पर आकर, घरों की छतों पर आकर बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, जबकि कल सभी का व्रत था, उसके बावजूद भी आज बड़ी संख्या में ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे के सारे लोग अपने घरों से बाहर आ गए हो और जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। और मैं तो सच बताऊं, मैं सोचकर आया था कि कुछ हजारों लोग यात्रा का स्वागत करेंगे, एक जगह पर करेंगे, दो जगह पर करेंगे, पांच जगह पर करेंगे, दस जगह पर करेंगे, बीस जगह पर करेंगे। यहां तो जिस रास्ते से यात्रा निकल रही है, सारे ही रास्तों पर यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, वह यह बता रहा है कि यहाँ पर विकास की यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, विकास किस गति से धरातल पर उतर रहा है। भाइयों बहनों, मैं मां नर्मदा से सिंचित बाबा महाकाल, ओंकारेश्वर की भूमि, गंगा, यमुना, बद्रीनाथ, केदारनाथ,
और जागेश्वर की पवित्र भूमि देवभूमि उत्तराखंड से आकर आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं बुंदेलखंड की इस धरती बीना विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिकों ने जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं आपका हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आपने 2018 में इस विधानसभा से महेश राय जी को चुनाव में विजय बनाया था, उसी प्रकार एक बार फिर से बीना विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमल खिलाना है। आप सबसे मैं ये निवेदन करने आया हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज भारत की इस पवित्र भूमि, मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि, हृदय भूमि पर मुझे देवभूमि से यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये वीरों की भूमि है, इस भूमि को मैं नमन करता हूं। इस धरती ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले, आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा के राजा आज भी श्री भगवान श्री राम माने जाते हैं। भाइयों बहनों, ये मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है, ये मध्य प्रदेश का दिल है। और यह हर प्रकार से, अभी जिस प्रकार से महेश राय जी बता रहे थे, बहुत सारे यहां पर काम हुए हैं। शिक्षा का एक केंद्र रहा है जनपद, और ये बीना जो जंक्शन है, इस बीना जंक्शन के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारा जो बचपन का जो स्मृतियां हैं वो बीना के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ट्रेन चलती थी लखनऊ से बीना तक, आती थी छपरा ग्वालियर। उस छपरा ग्वालियर से मैं बहुत बार बीना आया, बीना में उतरा और इस जंक्शन से दूसरी ट्रेन पकड़कर मैं सागर तक गया, और कई बार सागर से मैं बीना तक आया। उसके बाद कासगंज को जाने वाली, बरेली को जाने वाली, लखनऊ को जाने वाली बहुत सारी ट्रेनें मैंने इसी जंक्शन से पकड़ी है। इसलिए इस बीना का जैसे ही नाम आया कि मुझे भूपेंद्र जी ने कहा कि आपको यात्रा में आना है, पहले सागर आना है, फिर खुरई जाना है, और खुरई के बाद बीना जाना है, तो मैं सच बताऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने सोचा कि आप सबसे मिलेगा। और बाल्यकाल में जो इस बीना जंक्शन को देखा था, बीना से जाने वाली जो ट्रेनें हैं, ये बड़ा स्टेशन यहां पर हुआ करता था, वो मेरी स्मृतियों में बचपन से लेकर अब तक है। क्योंकि मैं बचपन से ही, क्योंकि सागर में मुझे 3 वर्षों तक लगातार 3 कक्षाओं में यहां पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे उच्च पिताजी महार रेजिमेंट में थे, और एक सैनिक का पुत्र होने के नाते सागर जो जनपद है, बीना है, बबीना है, इसके आसपास ललितपुर है, झांसी है, ये सारा का सारा क्षेत्र मेरे स्मरण में है, मेरी स्मृतियों में है। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आना सचमुच मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरी खुशी कितने गुना यहां आने के लिए बढ़ गई। यहां आने पर निश्चित रूप से मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। आज मध्य प्रदेश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार तेजी से काम कर रही है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। और